गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 40 करने वाले हैं जो कि 5 अक्टूबर के लिए है। इसमें हम ऊंचाई और दूरियों पर आधारित प्रश्न जो सवाल है उनको कंटिन्यू करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है मैदान, याद करके उत्तर दीजिए। तो याद करके उत्तर दीजिए में देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैदान पर एक बिंदु से, ये मैदान बिंदु हो गया, टावर के शिखर का कोण कितना है जी 30 डिग्री है। यहां से टावर के शिखर का कोण होता है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है यदि टावर की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम ये जानते हैं कि जब 30 डिग्री का कोण होता है तो रेशो में क्या अनुपात होता है, एक और ये √3, एक √3 का अनुपात होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर इसकी ऊंचाई को, टावर की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यहां पर हम इसको ले गए, ये दुगना हो गया, ये आपका क्या हो गया समझो, दुगना हो गया। तो कहता है इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमने इसको कितना कर दिया जी, दो दुगना कर दिया। ये कितना यहां से था, दुगना, ये एक था तो ये कितना था, दो हो गया। तो कहता है इसका कोण बताइए। अब ये दो हो गया, ये √3 है। तो देखिए इसमें आपको, मैं आपको बता दूं, इसमें आपके जो शिक्षा निदालय की तरफ से जो प्रिंटिंग हुई है उसमें कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्योंकि उसने जो ऑप्शन दिए हैं हमें दुगना के, कोण क्या हो जाएगा जी, दुगना हो जाएगा। तो देखिए कोण दुगना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दुगना, क्योंकि दुगने के लिए का मतलब है कोण 60 डिग्री का हो गया, और 60 डिग्री में हम जानते हैं कि 60 डिग्री में जो अनुपात हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 1√3 का। अगर 60 डिग्री का है तो क्या है अनुपात, 1:3, यानी कि लंब आपका 3√3 हो जाएगा और आधार आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये 2 बैठा और ये √3 बैठा है, यानी कि दुगना तो होगा नहीं जी। अब फिर क्या कहता है जी ऑप्शन आपसे, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए मैं जानता हूँ कि 45 डिग्री का कब होता है जी, जब लंब और ऊंचाई का जो अनुपात, आधार और लंब का जो अनुपात है वो 1:1 होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, तब 45 का होता है। यानी कि 45 डिग्री का भी नहीं हो सकता है। तीसरा, वही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वही भी नहीं हो सकता, इसलिए वही सी ऑप्शन भी कट गया। फिर उसने कहा कि 3 गुना का मतलब है कि कोण 30 डिग्री का तो कितने का हो गया, 90 का, और मैं जानता हूँ टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिट। टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित है नहीं, दो √3 आएगा ये। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं शिक्षा निदालय की तरफ से जो प्रिंटिंग प्रेस है, जिन्होंने प्रिंट करा है, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दी है जी, गड़बड़ की है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर निकाला नहीं जा सकता। या तो प्रिंटिंग में इस तरह से होगा कि 2 गुना ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि 3 गुना हो जाइए, तब इसका आंसर निकल सकता है, अदरवाइज इसका आंसर नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेकेंड पार्ट क्या कहा उसने, कहा दूसरा ही है, कहता है यदि पेड़ की छाया की लंबाई, छाया तो जमीन पर होगी, पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना है, ये एक मान लिया √3 गुना हो गई, तो कहता है कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं छाया की लंबाई √3 गुना कब होती है, जब कोण कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, ये हम पिछला बेसिक पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अतः सही उत्तर क्या होगा जी आपका, ए है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, कहता है समकोण त्रिभुज के, कोई समकोण त्रिभुज है, कहता है इसका एक कोण 45 डिग्री, ये कोण कितना मान लीजिए, हमने 45 डिग्री का मान लिया, तो कहता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का कितना होता है, हम जानते हैं अगर 45 डिग्री का कोण है तो लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कर्ण कितना होता है, √2। उसने लिखा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं। ठीक है, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पीछे दिखा रखा उसने, और आधार को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। तो उसने बोला कि √2 टाइम्स क्या होता है जी, वो बेस का होता है, और परपेंडिकुलर का भी क्या होगा, √2 टाइम्स ही होता है, यही तो पढ़ा था हमने, लंब का भी √2 गुना, √2 से गुणा करेंगे √2 = √2 से गुणा करेंगे √2 = √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, खाली स्थान में √2। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ही। ठीक है, अब कहता है कुछ और प्रश्न देखते हैं, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, कि ये उदाहरण है, पहला उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ,
कहता 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया समझो, भवन के शिखर से, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोई टावर हो गया समझिए, ये टावर हो गया। टावर बड़ा ही क्यों है, क्योंकि उसने जो आगे बोला वो समझिए, केवल के भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब नीचे खड़ा है और कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, इसलिए ये चीज क्या होगी, बड़ी होगी। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो आधार होना चाहिए पहले, तो आधार खींच लिया, और ये कितने का कोण दे रखा हमने, 60 डिग्री का। कहता और इसके पैर का अवनमन कोण 45 है, अवनमन का मतलब ऊपर खड़ा है और कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो कितने का कोण देख रहा है वो, 45 डिग्री का, ठीक है। उसके पाद का मतलब पैर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब आगे देखते हैं जी, ए बी सी और ये डी और ये ई हो गया, ठीक। अब आगे देखिए जी, हमसे कहा उसने, क्वेश्चन क्या कहता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन के फटाफट एकदम कैसे होता है, ये माना टावर की ऊंचाई कितनी मान लेंगे हम, टावर की ऊंचाई हमने मान ली बीसी बराबर कितना जी, एच मीटर, बीसी कितना मान लिया हमने, एच मीटर, अच्छा जी। अब मैं कहता हूं और क्या माना मैंने, माना ए बी बराबर डी ई बराबर कितना, एक्स मान लिया, ए बी को भी एक्स और डी भी कितना होगा, एक्स होगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब आगे ए डी कितना है, ए डी बराबर होगा बीई के, किसके बराबर होगा, बी के, क्योंकि पहले लाइन खींचेंगे, ये कितना हमारा 7 मीटर, कितना ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है जी। तो ऊपर वाला हिस्सा कितना हो गया, टोटल में से नीचे वाला क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि एच माइनस 7, तो सीई हमारे पास हो गया, मैं बीसी में से क्या कर दूंगा, बीई माइनस बीसी है मेरा एच और ये है 7 मीटर, ठीक। इस तरह से मैंने सारी चीजें लिख ली जो जो मुझे चाहिए। अब मैं ये जानता हूं जो मुझे निकालना है, उसके अलावा जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन होगा मैं उसके बराबर समीकरण रखता हूं, तो मुझे निकालना है एच, एच के अलावा ये त्रिभुज आएगा, इसके अंदर क्या है, एक्स है, और ये भी त्रिभुज आएगा, इसके अंदर क्या है, एक्स, तो मैं एक्स के बराबर समीकरण निकालूंगा। त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए बी डी, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ए बी डी में टेन थीटा क्या होगा जी आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, थीटा कितना हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री, और ए डी हमारे पास 7 और ए बी हमारे पास एक्स, टेन 45 का मान 1 होता है, ये एक्स हो गया, ये इधर पहुंच गया एक्स से कम, एक्स ये आ गया 7 मीटर, समीकरण क्या हो गया, 1 हो, ठीक है। चलिए यहीं पर देखते हैं हम और आगे क्या है जी, त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी डी ई में, सी डी ई में आपको दिखाई दे रहा होगा, सी डी ई में टेन थीटा ही लेंगे, टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, सी ई अपॉन में डी ई, थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है वहां पर, ये है एच माइनस 7 और ये है हमारे पास एक्स, टेन 60 का मान √3, एक्स का मान चाहो तो यहां से सीधा रख दो कितना है 7, कहां से मान चुराया बता दो उसको, समीकरण 1 से हमने मान लिया है, ठीक है, 7 किधर गुणा कर दिए हो गया 7√3, यहां पे रह गया एच माइनस 7, माइनस का 7 जब इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा आपका, प्लस का 7 हो जाएगा, और 7 क्या ले सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा √3 + 1 मीटर, ठीक है जी। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ये। तो आगे देखते हैं क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदाहरण 2 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कहता आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ था समझिए आप, ये इस तरह से पेड़ था पूरा, ठीक है जी। जब ये कहीं पेड़ था तो ये कहीं से टूट गया, आंधी आई और बीच में से कहीं से टूट गया, हमें नहीं पता कहां से टूटा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, गिर के कहां टच गया, जमीन को टच कर गया, ठीक। आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, ये कोण कितने का बनाया उसने, 30 डिग्री का। पेड़ के पैर से बिंदु की दूरी, पेड़ के पैर से जो बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है, तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूरा पेड़ है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, ए बी ये सी है, ये ए है तो ये भी क्या हो गया समझो, ए डैश होगा, यही हिस्सा तो आया ऊपर से नीचे, यही हिस्सा आपका ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ठीक है ये। तो यही कह सकते हैं, यानी कि बीसी और एसी का योग क्या है, पूरा पेड़ की लंबाई है,
जो हिस्सा ये होगा आप इसको y कहते हैं, तो ये भी कितना होगा आपका y ही होगा, ठीक है। इसे कह दिया मैंने x कह दिया, समझ रहे हैं जी आप। तो मान लिया हमने, माना BC हमने मान लिया x मीटर और AC हमने मान लिया y मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जी हमारी बेटा, BC प्लस AC यानी के x प्लस y, ठीक है। ए भी हमें दे रखा है कितना 8 मीटर। हमारा काम है x और y को निकालना। अब ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार किस में आते हैं, tan के अंदर आते हैं। tan थीटा हमारा हो गया लंब बटे आधार, ठीक है बेटा। थीटा हमें दे रखा 30 डिग्री का, BC है x और ये है 8, ठीक। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये x बटे 8 होगा, ये इधर पहुंचा दिया 8/√3, ये आ गया आपके पास x का मान, ठीक है। x का तो आ गया, y का निकालना। ये है हमारे पास आधार और ये है कर्ण, और आधार और कर्ण किस में आते हैं, cos थीटा में, cos थीटा, ठीक है। यहां पहले लिख लेना त्रिभुज ABC में, आप ABC में cos थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। थीटा कितना है 30 डिग्री, AB है हमारे पास 8 और ये कितना है y। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता √3/2 यानी कि 8/y। 8 तो उधर चला जाएगा, ये इधर लिया, y बराबर कितना हो गया समझो, √3 और y बराबर 16 हो गया, तो y का मान आ गया 16/√3, ठीक। हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमने मानी थी x प्लस y, यही तो थी है जी। तो x कितना है हमारे पास 8/√3 और y कितना 16/√3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका, √3 ही आएगा, तो ऊपर वाले क्या रहेंगे ऐसे ही रहेंगे, ठीक। ये कितना हो गया 8 और 16 कितना हो गया आपके पास 24/√3, 24/√3, ठीक है जी। अब हम जानते हैं नीचे वाली संख्या रूट में नहीं रखते, कितना आ गया जी 24/√3, तो क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, क्या आ गया 24/√3 और √3 की √3 से करेंगे कितना आएगा, √3 3 आएगा, 3 से 8 24 को काटा कितना आएगा 8/√3 मीटर। ये आपके पेड़ की ऊंचाई आ गई। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी के तीन, उदाहरण नंबर नंबर तीन क्या कहता है, कहता है एक मीनार के पैर बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है और एक भवन है, अब कहता है मीनार के भवन पैर बिंदु से तो भवन का शिखर का कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के पैर बिंदु से इनके पाद बिंदु से मीनार का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों उन्नयन कोण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भवन छोटा है कि मीनार छोटी है, हमें पता चलेगा जो जितना खड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा। उसने कहा मीनार के पैर बिंदु से भवन का कोण कितना है जी 30 डिग्री, यानी कि ये भवन होगा। भवन ही यही क्यों होगा जी, क्योंकि उसने दूसरे सेंटेंस में कहा भवन के पैर बिंदु से शिखर मीनार के शिखर का कोण कितना है 60 डिग्री, जो जितना खड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। ये ज्यादा खड़ा है इसलिए कोण क्या है ज्यादा बड़ा है। आपने डी देखा होगा अक्सर, ऐसे डी होता है आपका 10, 20, 30 इस तरह से कोण होते हैं ना, तो जो जितना खड़ा होगा वो उतना बड़ा होता चला जाता है, जब सीधा हो जाता है तो 90 डिग्री का आ जाता है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह से मुझे पता चला कि मीनार क्या है बड़ी और भवन क्या है छोटा है। तो कहता भवन का कोण कितने का है, भवन की ऊंचाई है 50 मीटर, तो कहता सॉरी मीनार की ऊंचाई 50 है, तो कहता भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी और ये डी हमने मान लिया, दोनों त्रिभुजों में एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर लेंगे, माना पहली बात भवन की ऊंचाई में पता नहीं, माना भवन की ऊंचाई यानी कि बी सी बराबर एच मीटर हमने मान लिया, ओके। उसके बाद हमें जो माना और क्या माना है जी, माना ए बी मैंने माना कितना जी एक्स मीटर, और ए डी तो मुझे दे ही रखा है कितना 50 मीटर। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में दिखाई दे रहा है आपको, ए बी डी ए बी डी में क्वेश्चन आपको साइड में लिखा हुआ दिखाई देंगे सारे के सारे, आप पढ़ सकते हैं ए बी डी में। ए बी डी में आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कितना है मेरे पास ए बी डी के अंदर कौन कौन सा है जी 60 डिग्री, ये है 50 और ये है एक्स, टेन साठ का मान √3, ये इधर और ये इधर, x बराबर कितना होगा 50/√3, ये आ गया x का मान एक तरीके से। उसके बाद त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
टेन थीटा क्या लेंगे आप? ये टेन है भैया जी, क्या है? टेन थीटा। ये होता है आपका लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार। थीटा कितना है इसके अंदर? 30 डिग्री। लंब कितना है? h। और ए बी कितना है आपका? x। टेन साठ, टेन तीस का मान बताइए जरा मुझे। टेन तीस का मान हम जानते हैं, एक बटे रूट थ्री, और ये h बटे x। ठीक है जी, चलिए x का मान बताइए। x का मान कितना होता है हमारे पास? ये रूट थ्री रही, x को इधर लिया, x इधर आ गया। x का मान बता दीजिए जल्दी से कितना है। x का मान है मेरे पास 50 बटे रूट थ्री। ठीक है जी, गुणा कर लीजिए, h हो गया 50 से कम 50, और रूट तीन की रूट तीन से करेंगे तो 3। काट के लिखना चाहो या तो इतना ही इतने मीटर लिख दो, या फिर 16 सही 2 बटे 3 मीटर, 16 से 48 और 2 50 लिख देंगे, या फिर और काट के लिखना चाहो तो 16.66 मीटर या 67 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी कम्प्लीट हो गया, ये आपके भवन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण 4 आपका कहता है कि मीनार के पैर बिंदु से SOT की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का अन्यन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट में ST है। कहता है कि मीनार के पैर बिंदु से, ये होगी मीनार आपकी, क्या होगी जी आपकी? ये मीनार हो, ठीक है जी, के पैर बिंदु से SOT, मीनार के पैर बिंदु से ये S मीटर की दूरी होगी, और यहां से यहां तक ST होगी। ये S मीटर की दूरी होगी, ये 10 मीटर की दूरी पर कि जो कोण है मीनार के साथ, शीर्ष के जो कोण है क्या है? संपूरक कोण, सॉरी पूरक कोण। पूरक कोण वो होते हैं जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसे मान लेंगे अल्फा, और ये कितना मान लेंगे? 90 माइनस अल्फा। इनका जोड़ 90 बैठेगा ना, इनको जोड़ेंगे तो उसने बोला क्योंकि पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का जोड़ आपका 90 डिग्री होता है। ठीक, ए बी सी और ये डी। तो हम क्या कर सकते हैं? कहता है पेड़ की ऊंचाई जो, सॉरी मीनार की जो ऊंचाई है वो दिखानी है आपको वर्गमूल में एस टी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर एक नंबर में भी आएगा ना, तो जो दूरियां उसने दे रखी हूं उनकी गुणा कर देंगे और वर्गमूल चढ़ा देंगे उस पर। ठीक है, अंडर रूट यानी के इस तरह से निकल जाता है। लेकिन जब पूरा करना पड़ेगा, एक नंबर में तो डायरेक्ट बता देंगे आप, लेकिन पूरा करना है तो पूरा कैसे करते हैं वो देखिए। त्रिभुज बी सी डी में पहले क्या लेंगे? बी सी डी में टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे में डी। ठीक है जी, थीटा है हमारे पास अल्फा, ये है एच और ये है एस। समीकरण क्या हो गई? एक हो गई। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में आपको दिखाई दे रहा है एबीसी त्रिभुज, पूरा एबीसी, ये हो गया टेन थीटा। आपका क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधा, बीसी बटे में एबी। थीटा कितना हमारे लिए? 90 माइनस अल्फा। थीटा कितना हमारे लिए? 90 माइनस अल्फा। बीसी है एच और ये है टी, लंब है एच और ये है टी। टेन थीटा कितना होता है? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। याद रखिएगा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका? कॉट थीटा होता है। इसको आप याद रखें कि tan 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है? tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा। ठीक है जी, अच्छा याद आप रखेंगे। उसके बाद स्पेशल क्वेश्चन है, जब भी दो पूरा कोण दे रखे हो तो समीकरण एक और दो की आप गुणा करेंगे। समीकरण एक और दो की क्या करने पर? गुणा करने पर, गुणा करने पर। देखिए गुणा कैसे करेंगे आप? टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा और कॉट अल्फा, इधर क्या हो जाएगा? एच बटे एस, एच बटे एस गुणा में एच बटे टी। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन तो टेन रहा, या टेन का उल्टा ही बता दीजिए, टेन का उल्टा क्या होता है? एक बटे कॉट, ये कॉट ही रहा। एच के एस से गुणा करेंगे एच स्क्वायर, ये एस टी हो गया। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऊपर से नीचे चला, एस टी ए कम एस टी यहाँ रह गया एच स्क्वायर। हमें तो हाइट ही निकालनी है, इसकी ऊंचाई तो निकालनी है, तो स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट। ऊंचाई निकाल, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये आपकी ऊंचाई आ गई बेटा। ठीक है जी, ऊंचाई कितनी आ गई रूट में? एस टी आ गई। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि उदाहरण नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखे हैं, तो हम देखते हैं पहला अभ्यास का प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है अभ्यास के लिए?
उसका आंसर हम देखते हैं। कहता है 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, आपने ये मान लिया 100 मीटर चौड़ी नदी होगी, ठीक है, इसके बीच में कोई टापू है, नदी की चौड़ाई है 100, बीच में कहीं पर कोई टापू हो गया, समझो यहाँ हो गया, यहाँ होगा, कहीं पर भी कोई टापू है, ठीक है, यानी कि जमीनी इलाका है, ठीक है। इस द्वीप है, यानी कि इस द्वीप के ऊपर एक लंबा पेड़ है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है जी, एक पेड़ है, लंबा पेड़ खड़ा है, तथा पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर, ये विपरीत किनारे हैं, ये पी और ये क्यू किनारों पर, जो कि पेड़ पी और क्यू और ये पेड़ जो एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन में है। अगर पेड़ पी और क्यू से पेड़ के शिखर का अनुन कौन कितने 30 और 45, उसने कहा है पेड़ पी और क्यू नहीं है, बिंदु पी और क्यू से, बिंदु पी और क्यू से इसके कोण कितने, उन्हें कोण 30 और 45 है, ये समझो 30 हो गए, ये 45 हो गए। तो कहता पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, यही तो पेड़ खड़ा है, एच मान लिया हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, ये पी क्यू तो है, इसको मान लिया मैंने ए और ये बी, ये टोटल 100 है, इसको क्या मान लिया मैंने एक्स, तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यानी कि ए कितना मान लिया मैंने एच मीटर, ये मुझे निकालनी है, ठीक। और मैंने क्या माना है, मैंने माना है ए पी, ए पी कितना माना है मैंने एक्स मीटर, और मुझे पी क्यू दे रखा था कितना 100 मीटर, तो मैंने ए क्यू कैसे निकाल दिया, पूरे में से ये घटा दिया, 100 माइनस एक्स मीटर हो गया। अब त्रिभुज किस में लेंगे, पी ए बी में, पी ए बी के अंदर, पी ए बी में क्या है, ये लंब है और ये आधार है, क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, ठीक है, ये आपका टेन है, ये आपका, और टेन के अंदर कोण कितने का आपका 45 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री, ये है एच और ये है एक्स, टेन 45 का मान एक होता है, और ये एच बटे एक्स इधर पहुंच गया, तो आपका कितना हो जाएगा एक्स बराबर एच हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो गया आपके लिए, ए ऊपर ही लिख देते हैं, चलिए एक्स से कम एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया आपका एच, ये समीकरण क्या हो गई एक हो, ठीक। उसके बाद त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में टेन थीटा लगा देंगे, इसके टेन क्या होता है लंब बटे आधार, सॉरी यहाँ कोण मैंने गलत बना दिए, ये कोण यहाँ बनेंगे भैया 45 का, और ये कितने का था दूसरा 30 का, ठीक है जी, ये कोण क्या है यहाँ बनेंगे, मेरे से गलती हो गई मुझसे, ये तो 90 का सीधा लंब पेड़ खड़ा हुआ है, पी और क्यू बिंदुओं से देख रहा है, तो इसलिए 45 और 30 ही है ना, ठीक है जी, तो टेन थीटा क्या हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, थीटा कितना आपके पास, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, और ये है एच अपॉन में 100 माइनस एक्स, ठीक। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, एच बटे में 100 माइनस एच कर दूं यहाँ पर, क्योंकि एक्स बराबर किसके है एच के है, कहाँ से मान चुराया आपने समीकरण एक से, ठीक। अब इसको इधर पहुँचा दे, इसको इधर पहुँचा दे, कितना हो गया 100 माइनस एच, और ये √3 एच, हमें तो एच का मान चाहिए, तो एच एच वाले एक तरफ 100 इधर लिया है, √3 तो है ही, एच को उधर लेंगे तो काय का हो गया प्लस का एच हो गया, एच क्या ले लें इसमें से, एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ √3 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, एच का मान निकालना, तो √3 + 1 कहाँ जाएगा अपॉन में चले जाएगा, देखिए हमें एच का मान निकालना है, तो 100 बटे में ही हो गया √3 + 1, और ये बात हम जानते हैं कि कभी भी बटे वाली संख्या रूट में नहीं रखते हैं, तो क्या कर देंगे इसका परिमेयकरण, परिमेयकरण क्या होता है, जो भी संख्या नीचे होती है उसका निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, 100 की करेंगे √3 - 1, नीचे क्या लग जाएगा फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस का, फॉर्मूला क्या होता है a² - b² होता ना, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया 3, और यहां 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 100, ये होगा √3 - 1, 3 में से गया तो 2 से 100 को काट दिया कितना आ गया 50, और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर, ये आपके पेड़ की ऊंचाई आ गई। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज लगा है, 5 मीटर ऊंची मीनार पर, ये 5 मीटर ऊंची मीनार होगी, इसके ऊपर एक ध्वज यानी कि एक झंडा लगा है, समझिए, ठीक है। अब कहता भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु हो गया, बिंदु से ध्वज दंड के शिखर, ऊपरी शिखर
ऊपरी शिखर और पैर। पैर तो ये पांच बिंदु, यानी कि कितने कितने 60 और 45, ये आपका 60 है और ये पैर का कोण कितना है 45 डिग्री। तो कहता है ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड आपका क्या है जी, सीढ़ी। एच मीटर मान लिया आपने इसको, इसे एक्स मान लेंगे। तो आपने माना ध्वज दंड की ऊंचाई, ऊपर झंडा लगा हुआ मीनार के ऊपर, सीढ़ी कितनी मानी आपने उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई आपने मान ली एच मीटर, और बीसी कितना है आपके पास 5 मीटर। इस तरह से बीडी कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया आपके पास 5+h मीटर। और आपने एक और चीज मानी है, क्या माना है जी, माना है आपने एबी। एबी कितना माना है आपने एक्स मीटर, ये आपको दिया गया। आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, आप त्रिभुज ले लेंगे एबीसी। याद रहे त्रिभुज में वो लंब जरूर आना चाहिए। एबीसी में क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कितना है आपके पास, थीटा है 45 डिग्री, बीसी है 5 और ये है आपके पास एक्स। टेन 45 का मान 1, 5/x, ये इधर पहुंच जाएगा, एक्स बराबर कितना हो गया 5 मीटर। ठीक, आप त्रिभुज ले लेंगे, आप त्रिभुज कौन सा ए बी डी, पूरा ए बी डी में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है मेरा लंब बटे आधार, बी डी बटे में ए बी। ठीक है जी, थीटा है कितना 45 डिग्री, थीटा है मेरा 45 डिग्री, सॉरी थीटा कितना है ए बी डी में 60 डिग्री, और ये है आपका पास एच प्लस 5 या 5+h, पूरा 5+h है, ये कितना है x है। टेन 60 का मान √3 होता है, h प्लस 5, और x का मान कितना है, x का मान निकाल चुका हूँ मैं 5 होता है जी, कहाँ से मान निकाला मैंने, समीकरण 1 से। ठीक, ये इधर पहुँचा दिया कितना होगा 5√3 और ये हो गया h प्लस 5, संख्या संख्या एक तरफ लिया, 5 इधर लेंगे काय का हो गया माइनस का, h बराबर कितना हो गया 5 का ले लूँ कॉमन, ये होगा √3, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √3 और यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 मीटर। ठीक है, इतने मीटर h बराबर आ गया 5 √3 - 1। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से वर्कशीट आपकी पूरी हो गई है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।